नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम शालिनी मेंगी है और इंस्टाग्राम पे सब मुझे सखी शालिनी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं शायला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया और विमेंस डे पे इतनी खूबसूरत महिलाओं को ये मौका दिया कि वो यहाँ आकर अपने ख्याल बेखौफ आप सबके सामने रख सकें। सो थैंक यू शायला। ओके, सो आई एम हेयर विथ फ्यू पीसेज विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैं ऐसे तीन पीसेस आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं और जनरली मैं महिलाओं पर ही लिखती हूँ। और तो ये इवेंट था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दिल के टुकड़ों को आपके सामने पेश किया जाए। तो जो मेरी पहली कविता है वो उन लड़कियों के लिए है। वैसे तो सब लोग अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं, हमारी सीरत खूबसूरत होती है, सूरत हो चाहे ना हो, पर कुछ लड़कियाँ होती हैं जो फिजिकली भी बहुत खूबसूरत होती हैं तो उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, यार आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने सुंदर हो, व्हाट डू यू डू। बट वो महिलाएं, वो औरतें, वो लड़कियां जब आईने के सामने जाती हैं और खुद को देख ये सवाल पूछती हैं, वो राज खुद को बयां करती है कि तुम्हें खूबसूरत क्या बनाता है। तो इसी पर मेरी कविता है, गौर फरमाइएगा। तुम्हें खूबसूरत क्या बनाता है, तुम्हें खूबसूरत क्या बनाता है? क्या ये तुम्हारी आंखों का काजल है या इनमें छिपा ये नूर है? क्या तुम्हारे गालों की चमक है या इनमें डूबा वो गुरूर है? तेरे होठों की लाली है, तेरे कानों की बाली है, तेरी उड़ती जुल्फे हैं या जो तूने आगे लट निकाली है? तुम्हें खूबसूरत क्या बनाता है? आईने में तेरी ये झलक, आईने में तेरी ये झलक या आंसुओं से भरी तेरी ये पलक? ये तेरी चूड़ियां हैं या इनमें छनकता तेरा ये दर्द? ये तेरी पायल की खनकन है या इनमें बंधी बेड़ियों की खनक? मुझे बता तो सही कि तुम्हें खूबसूरत क्या बनाता है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगी कि भीड़ में तेरा ये मुस्कुराता चेहरा है या रात में सोते तन्हा तेरा मुरझाता चेहरा है? कि भीड़ में तेरा ये मुस्कुराता चेहरा है या रात में सोते तन्हा तेरा मुरझाता चेहरा है? कि तेरी ये नायाब हंसी है कि इनके पीछे कोई दास्तां छुपी है? क्या ख्वाहिशों से भरी इस जिंदगानी में तेरी भी पुरानी वही बेबसी है? मैं जानना चाहूंगी क्या सुबह का सूरज तुझे भी चमकाता है या तेरा दिन भी यूं ही बेरुखी में निकल जाता है? क्या तेरी सुंदर आंखें भी कभी रोती हैं? बताना, क्या तेरी सुंदर आंखें भी कभी रोती हैं या रात भर तू इसमें सपने संजोती है? क्या है वो चीज जो तुझे दुनिया से इतना अलग बनाती है और क्या है वो राज जो हर वक्त तू अपने दिल में छुपा ले जाती है? शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगी जब तुझे इन सब सवालों के जवाब मिल जाएं, जब तू खुद की जुस्तजू से बाहर निकल जाए, तू मेरी जान बता देना हर उस इंसान को जो तुझे अपने दिल में बसाए बैठा है, हर वो शख्स जो तेरी हंसी को अपना मेहरनुमा बनाए बैठा है, कि क्या थी तेरी उन अनकही बातों के पीछे की खामोशी और क्या थे उन झुकती शर्माती नजरों के पीछे के राज जो तुझे हर पहर हर लम्हा बेहद खूबसूरत बनाता है, जो तुझे आईने में देखकर नहीं अपनी सीरत में देखकर अपने अस्तित्व से मिलवाता है, जो तुझे इतना खूबसूरत बनाता है। थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा पहला पीस जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अब दूसरा जो है वो इंग्लिश में लिखा है बट वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। बिकॉज सी वी एज अ वुमेन, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत फेमिनिस्ट हूँ, आई एम सेइंग कि हाँ, बट वुमेन्स की कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ वुमेन समझ सकती है, मेन की कुछ चीज़ें हैं जो मेन समझ सकते हैं। सो जो मेरा ये पीस है वो एज अ वुमेन एक शाउट है, एक क्राई है टू द वर्ल्ड कि ऐसे देखो मुझे, ऐसे ना देखो। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों तक जो मेरे दिल के जज्बात हैं वो पहुंचेंगे। तो प्रेजेंट करती हूँ। आई एम अ वुमेन, आई हैव राइट टू स्पीक, आई कैन ऑल्सो रेज माई वॉइस एज एंड व्हेन इन नीड, आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, आई एम नॉट एट ऑल अ डेफिनेटिव बॉडी टाइप, माई कर्व्स आर नॉट मेंट टू टेम्प्ट योर आइज, माई ट्रूथ कांट बी लेयर्ड विद योर लाइज, आई डू हैव विंग्स, आई कैन ऑल्सो फ्लाई। Thank you. I am a woman. I am me filled in and out with my opinionated mind. I am me filled in
taken out with my opinionated mind, I can love maths as much as science. I can love any color. It need not be pink and white. I am a woman. My cooking skills might not be same. Frankly, my cooking skills might not be same, but I can excel in sports, dance, drama, or can groove on stage. So stop. Stop pulling me back. I can create my own identity without a brag. I may be dissonant. I may be bold. I may be dissonant. I may be bold. It's my thoughts that make me unique, not diamond and gold. Thank you. It's my thoughts that make me unique, not diamond and gold. I am a woman. Stop. Stop right away coming in my way. I can fight my own battle and can slay. This world belongs to me as much as to you all. My choices are mine. It might not please everyone around, yaar. So I am a woman. It might not please everyone around. So stop. Stop right away demeaning, abusing, characterizing my character. It's my world, people. I have right to choose what I want to be, bounteous or a sinister. I am a woman. And trust me, I am not here to woo any men. Thank you. तो ये थी दूसरी मेरी कविता जो दिल के बेहद करीब थी. अब जो तीसरी कविता है वो थोड़ी सेंसिटिव है. सो आई गेस यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेंगे, बट मुझे इस ऑकवर्डनेस को तोड़ना है. मुझे इस ऑकवर्डनेस को तोड़ना है, इसीलिए मैंने ये पीस आज के लिए सेलेक्ट किया है. एंड ये पीरियड्स पे है, जिसे हम पीरियड्स नहीं बोल सकते. तो ये पीरियड्स पे है. ओके okay. वो महीने के 5 दिन कितने आसान हो जाते अगर हम अपना दर्द इस जमाने से बयां कर पाते. पुरानी कुरीतियों को पार कर हम आजाद हो जाते. पुरानी कुरीतियों को पार कर हम आजाद हो जाते अगर मम्मी पापा के साथ बैठकर हम अपना दुख साझा कर पाते. लाल रंग में लिपटे हुए हम इस दुनिया में आते हैं, फिर क्यों इस लाली के बहने से हम सब घबराते हैं, है कि नहीं? लाल रंग में लिपटे हुए हम इस दुनिया में आते हैं, फिर क्यों इस लाली के बहने से हम सब शर्माते हैं. मैं पूछना चाहती हूँ इस जमाने से कि वो क्यों काली पन्नी में लपेट के हमें सैनिटरी पैड्स पकड़ाते हैं. और अगर इतना ही शर्मिंदा है तो भला क्यों ही वो बेचा करते हैं. थैंक यू. अगर इतना ही शर्मिंदा है तो वो क्यों ही इसे बेचा करते हैं. तो चलो आज ये प्रतिज्ञा ले कि अब हम पीरियड्स को खुलकर बोल सके. और है अगर कोई बहन बेटी दोस्त दर्द में तो इसका दर्द साझा कर थोड़ा तो कम कर सके. तो चलो आज इस चुप्पी को तोड़ आसमां की एक नई उड़ान भरे और स्टे फ्री विस्पर सोफी को श ना करें. स्टे फ्री विस्पर सोफी को श ना करें. इसे बेखौफ हक से मांगने की एक नई शुरुआत करें. धन्यवाद. आई जस्ट होप कि अब एटलीस्ट यहाँ से जो लोग बाहर जाएंगे वो पीरियड्स को थोड़ा तो नॉर्मल लेंगे यार, बिकॉज इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसीजर ना. तो आई जस्ट होप इट हैपेंस. अच्छा, आखिरी में मैं 4-5 लाइनें बोलना चाहती हूँ. हम लोग हमेशा ना मर्द को बड़ा बदनाम करते हैं यार. विमेन एम्पावरमेंट है, मर्द ने वैसा किया. हालांकि मेरे पास एक और कविता है, मर्द का दर्द, जो मैं कभी किसी और स्टेज पे सुनाऊंगी. आज नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैंने कुछ महिलाओं पे लिखा है और विमेन एम्पावरमेंट पे लिखा है, तो वो मैं 4-5 लाइनें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी. तो लिखा था कि महिला के सम्मान के लिए लड़ाई न लड़नी पड़ती अगर एक महिला दूसरी महिला को थोड़ा भी समझ सकती है ना. अगर एक महिला दूसरी महिला को थोड़ा भी समझ सकती, ये नारी शक्ति के चर्चे हर जगह सुनाई ना पड़ते. अगर एक नारी खुद सशक्त होकर दूसरी नारी को आगे बढ़ने देती.
धन्यवाद। अगर एक नारी सशक्त हो दूसरी नारी को आगे बढ़ने देती, ये विमेन एम्पावरमेंट, विमेन अपलिफ्टमेंट के स्लोगन्स बार बार चीखते नहीं। ये विमेन एम्पावरमेंट, विमेन अपलिफ्टमेंट के स्लोगन्स बार बार चीखते नहीं अगर हमारी को वर्कर्स साथ मिलकर हमारे साथ तटस्थ खड़ी होती। तो बंद करो यू नारे लगाना, हमें जरूरत नहीं दुनिया की हमदर्दी की। बंद करो ये नारे लगाना, हमें जरूरत नहीं उस दुनिया की हमदर्दी की। आओ ना मिलकर साथ में कदम बढ़ाएं और रचना करें एक नए भारत की। थैंक यू सो मच। एंड शायला, थैंक यू सो मच बिकॉज यू मेड दैट हैपन। यू नो when वी आर अ वीमेन एंड वी स्पीक नाइस, वी फील यार हम आगे लाइमलाइट में रहें, बट आपने दूसरों को मौका दिया कि वो भी लाइमलाइट में आए। सो दिस इज वॉट माई होल पॉइंट इज अबाउट, कि इसी तरह एक नए भारत का निर्माण होगा। एंड इफ आई हैव टाइम, मैं एक कविता और बोलना चाहूंगी। कैन आई हैव माई फोन प्लीज? हाँ जी, थोड़ा सा बोर कर रही हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए। अब क्योंकि ये लिखा था तो ये बोल ही देती हूँ। इस कविता का नाम है बेमिसाल नारी। तो लिखा था, तेरा इश्क भी तू, मंजिल भी तू, ये दुनिया तुझसे है, उस दुनिया की है तू। तेरा इश्क भी तू, मंजिल भी तू, ये दुनिया तुझसे है, इस दुनिया की है तू। तेरा गुमान भी तू, तेरी शान भी तू, खुद में खुद का अभिमान भी तू। तेरा गुमान भी तू, तेरी शान भी तू, खुद का खुद में अभिमान भी तू। औरों की नजरों से ना देख खुद को ऐ नारी, औरों की नजरों से ना देख खुद को ऐ नारी। तू सृष्टि भी है, इस सृष्टि का निर्माण भी तू। तू सृष्टि भी है, इस सृष्टि का निर्माण भी तू। तेरे आकाश की कोई सीमा नहीं है, तेरे आकाश की कोई सीमा नहीं है, इस अंबर की उड़ान भी तू। तेरे आंसू तेरी ताकत है, तेरे आंसू तेरी ताकत है, और खिलते फूलों की मुस्कान भी तू। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तू सृष्टि की रचयिता है और इसकी मसान भी तू। तू सृष्टि की रचयिता है और इसकी मसान भी तू। तू पानी जैसी कोमल भी है और जलती मशाल भी तू। तू पानी जैसी कोमल भी है और जलती मशाल भी तू। कर ले खुद से मोहब्बत ऐ नारी, कर ले खुद से मोहब्बत ऐ नारी। हर दिन हर पहर बेमिसाल है तू, हर दिन हर पहर बेमिसाल है तू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। थैंक यू सो